गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडरलस्ट। मैं हूं दिल्ली में और आज मैं आया हूं हुमायूं टॉम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पे घूमने की इतनी जगह हैं कि कोई कभी भी बोर नहीं हो सकता। यहां पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, थीम पार्क्स हैं। तो ऐसी ही एक जगह मैं आया हूँ जो हमारा नेशनल मॉन्यूमेंट में आता है, जिसका नाम है हुमायूं टॉम। तो आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है और आगे मैं बताऊंगा आपको हुमायूं टॉम की हिस्ट्री और इसके बारे में सारी जानकारी। तो आइए चलते हैं। ये है टिकट काउंटर, यहाँ से मैं टिकट खरीदने जा रहा हूँ। बैग इधर चेक कराना है? हाँ, बैग खोलिए आप। क्या क्या है इसमें? सामान है अपना, कपड़े और खाने पीने का कोई सामान? खाने पीने का कुछ नहीं है, पानी की बोतल है। कैमरा सर, वीडियो कैमरा तो नहीं था ना? ठीक है, लाइए कॉइन दीजिए। चलिए निकल ये तो चलो जाऊँ। ये हुमायूं टॉम की एंट्री है, मैंने टिकट ले ली है। 40 रुपये का एक टिकट था और टिकट लेने के बाद आपको टोकन मिलेगा जिसको आपको एंट्री गेट पे दिखाना होगा, उसके बाद आपकी एंट्री हो सकती है। सामने हुमायूं टॉम है और फ़ौरन से यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। एक टूरिस्ट ने मुझसे पूछा भी कि आप ये क्या कर रहे हो, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ और मैं वीडियो बनाता हूँ। तो उन्होंने पूछा, आप टिकटॉक के लिए तो नहीं बना रहे हो? मैंने कहा, नहीं, मैं टिकटॉक यूज़ नहीं करता, मैं यूट्यूब यूज़ करता हूँ। ये है हुमायूं के मकबरे का गेट, बहुत बड़ा सा गेट है। इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ पे भी क्या दिखाना है? व्हाइट सेफ। सामने हुमायूं टॉम दिख रहा है, मैं पूरा एरिया आपको दिखाता हूँ। ये हुमायूं के मकबरे के सामने एक फाउंटेन है छोटा सा और ये वो गेट है जिससे हम अंदर आए हैं। ये है हुमायूं का मकबरा। आज संडे है तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट हैं।
ये हुमायूं के मकबरे से ऊपर से ये व्यू है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों सबसे पहले आपको हुमायूं के मकबरे के बारे में बताता हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या है और यहाँ पे कैसे पहुँचा जाए। सबसे पहले बताता हूँ यहाँ पे कैसे पहुँचा जाए। आप जब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के मेट्रो स्टेशन पे आएंगे तो वहाँ से उतर कर आपको बस लेनी होगी या ऑटो लेना होगा। वहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है, या फिर आप दिल्ली के किसी और एरिया से आ रहे हैं तो कैब से भी आ सकते हैं, या फिर बस भी सीधे यहाँ पहुँचा सकती है आपको। दोस्तों अब आपको बताता हूँ हुमायूं के मकबरे की हिस्ट्री के बारे में। इसका कंस्ट्रक्शन 1572 में पूरा हुआ था और इसको बनाने में 15 लाख रुपए लगे थे उस टाइम पर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको मेंटेन करता है और इसमें मुग़ल बादशाह हुमायूं के अवशेषों को रखा गया है। इस मकबरे की हाइट 47 मीटर है और विड्थ 91 मीटर है। ये मुग़ल शैली का आर्किटेक्चर है। इसके लिए स्पेशल पर्शिया से आर्किटेक्ट बुलाए गए थे जिनका नाम है मीरक मिर्ज़ा गियाथ। ये पूरा मॉन्यूमेंट जो है वो लाल पत्थर से बना हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स में और भी मकबरे हैं जो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बट उससे पहले चलते हैं इस मकबरे के अंदर, जो उसके अंदर हुमायूं की कब्र जो है उसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मकबरे के अंदर जो कब्रें थी या जो अवशेष रखे गए थे वो सारे मैंने देख लिए हैं। अब मैं बाकी मकबरों की तरफ चलता हूँ। जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे और भी मकबरे हैं, तो आइए चलते हैं उनको देखते हैं। सामने ये जो मकबरा दिख रहा है इसको नाई का मकबरा कहते हैं। अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या है। ये मकबरे की खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले थे वो यहाँ पे रखे गए हैं।
ये मैप है पूरे कॉम्प्लेक्स का। यह है ईसा खान का मकबरा। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा दिखता है। ये ईसा खां का मकबरा है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ये एक दूसरी बिल्डिंग है, ये भी बड़ी खूबसूरत है। दोस्तों, आज मैंने आपको दिखाया है हुमायूं का मकबरा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे चैनल वंडरलस्ट को सब्सक्राइब करें।